बाबा लोग आज यहाँ कल वहाँ परसों परमात्मा की एक ऐसी व्यवस्था है कि महात्मा एक जगह अगर टिक जाए तो उनको ममता हो जाती है। उनको नारद जी को श्राप करा है कि ढाई घड़ी से ज्यादा कहीं रुकते। श्राप किसने दिया बताया? राजा दक्ष ने, शंकर जी के ससुर। किसने श्राप दिया? क्या श्राप दिया? कि ढाई घड़ी से ज्यादा कहीं। और जैसे ही श्राप दिया नारद जी को, नारद जी ने तो नाचना शुरू कर दिया। होने वाली जब एक जगह रुकेंगे तभी तो ममता होगी, तभी तो मोह जुड़ेगा। अब जब एक जगह रुकना भी नहीं तो फिर कहीं मोह ममता जुड़ने वाली। साधु का ये स्वभाव, साधु प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। साधु प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में एक है जटायु जी महाराज, नाम सुना आपने? बोलो किसने सुना? सबने सुना। जटायु जी ने जब रावण ने पंख काट दिए ना, रावण जी सुने जलता, जटायु के जब रावण ने पंख काट दिए भूमि पर गिर गया जटायु और जोर जोर से मुस्कुराने लगा। भूमि पर गिरा और जोर जोर से पास में गिद्ध कौवे चीखे। बाद हैरानी की बात, 6 दिन के बाद बाबा जी फिर लड्डू बांट रहे हैं। दोबारा मैंने पूछा, गुरु जी आज क्यों लड्डू बांट रहे हो, आज क्या खुशी है? जो मोटरसाइकिल खरीदी थी ना वो कुमो, मोटरसाइकिल खरीदी थी ना, मैंने कहा जब हो गया बाबा कुमो हो गई तो काय को लट्टू बांटना, ये तो दुखी होने की बात है, इसमें खुशी की क्या बात है? तो मेरी अच्छी बात है। मैंने कहा क्या अच्छी बात है? अरे महाराज शुक्र करो कि मैं मोटरसाइकिल पे नहीं बैठा था, नहीं तो मैं भी कुमो जाता। मैंने कहा अगर तुम भी बैठे होते तो फिर मोटरसाइकिल नहीं। साधु का ये स्वभाव है, साधु प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। गुरु नानक देव जी कहते हैं, जो तुझ भावे नानका कोई भलीकार जिस पे तू रखे, जैसे हाल में तू रखे हम वैसे ही हाल में प्रसन्न है। पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश है, पूरे हैं वो मर्द जो हर हाल में खुश है। महाराज सदैव प्रसन्नता बनाए रखिए अपने चेहरे पर सदा। अरे बोलो ना, मुस्कुराते रहिए। मुस्कुरा के जिसको गम का जहर भी ना आ गया, मुस्कुरा के जिसको गम का जहर भी ना आ गया, ये हकीकत है जहाँ में उसको जीना आ गया। जो प्रत्येक रहता है उसके अंदर परमात्मा की भक्ति बनती है। अगर जिंदगी में कोई दुख हो ना, अगर जिंदगी में कोई दुख हो भगवान को सुनाना, लेकिन भगवान को दुख सुनाने की एक शर्त है। जरा गौर, भगवान को दुख सुनाने की एक शर्त है क्या? और मेरी तरफ हाले दिल उनको सुनाते जाइए, हाले दिल उनको सुनाते जाइए, हाले दिल उनको सुनाते जाइए। बस शर्त इतनी है कि जरा मुस्कुराते जाइए, बस शर्त इतनी है कि जरा मुस्कुराते जाइए। प्रत्येक परिस्थिति में प्रसन्न रहिए।